बहुत सारी खबरें हैं और उन खबरों के चलते हम देख रहे हैं काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिल रहा है और लोगों का रिएक्शन, आप लोगों का क्या होना चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ लगातार अरुण जी बने हुए हैं। तो एक एक करके ज़रा उन कंपनियों को लेकर के आते हैं और उन पर फिर डिस्कशन करते हैं और जानते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं और उनके चलते काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पहला शेयर जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए और उसके बाद से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सर केशोराम इंडस्ट्रीज़ पे जो है आज खबर है और बड़ी खबर है कि कंपनी के बोर्ड ने सीमेंट कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी है और ये कारोबार को अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदेगी। और सर जिस इसके अलावा पूरी खबर बता दें, उसके बाद से मेरे दो सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर के। सीमेंट कारोबार को जो बेचा जाएगा वो करीब 7600 करोड़ रुपये में खरीद रही है कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, और इस खरीद के बाद से अल्ट्राटेक सीमेंट की उत्पादन क्षमता करीब जो है वो 3 करोड़ टन की हो जाएगी। और उसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि आज 5% का अपर सर्किट केशोराम के अंदर लगता हुआ दिखाई दिया है। पहले तो सर अल्ट्राटेक और केशोराम के ऊपर आपका व्यू क्या है इस समय आज 5% के अपर सर्किट के बाद? और दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण ये है कि ये जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गिनी चुनी कंपनियाँ ही अब बचेंगी सीमेंट कारोबार में, ये कीमतों को एक तरीके से मूव करने में कितना आपको लगता है कि आसानी होगी या कितनी कठिनाई होगी आम आदमी के लिए? क्या आपको लगता है कि प्राइसिंग कंट्रोल सिर्फ 2-4 कंपनियों के हाथ में रहेगा? देखिए विपुल जी, वैसे तो कार्टिलाइजेशन सीमेंट कंपनीज में काफी बार इसकी चर्चा होती रहती है और सीसीआई ने काफी बार इसका संज्ञान भी लिया और काफी पेनाल्टीज भी कुछ इस कंपनी पे लगी है। तो ओवरऑल मुझे लगा कंपनीज अभी भी काफी है, साउथ में काफी बड़े कंपनीज आपको नजर आ जाएंगे, ईस्ट में 1 से 2 बड़ी कंपनी है, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा ऑलरेडी एक दिग्गज कंपनी है, पर अल्ट्राटेक मुझे लग रहा है साइज में और कैपेसिटी में सबसे बड़ी कंपनी है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकता है। केशोराम का एक्विजिशन भी कंपनी के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत स्टॉक में हो सकता है साइडवेज नजर आए, पर लंबे नजरिए से ये स्टॉक भी काफी अच्छा कर सकता है। जहां तक लेवल्स की बात है 9200 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है, पहले भी विपुल जी काफी बार इसको रिकमेंड नीचे के लेवल्स पे किए थे पर वहां से भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो 9200 तक मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट करंट लेवल से भी जा सकता है। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अगली कंपनी है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के अंदर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही। खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी अब रियल इस्टेट कारोबार में उतरने की योजना बना रही है और आपको बता दें रियल इस्टेट कारोबार में एंट्री के लिए कंपनी ने पेनिनसुला लैंड के साथ एक JV की है और इस JV में कंपनी जो है करीब करीब 99.99 करोड़ रुपये का निवेश करेगी डेल्टा कॉर्प। और आपको बता दें कि कंपनी के शेयर में 5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी सुबह के समय और अभी भी 4% से ऊपर डेल्टा कॉर्प का शेयर इस समय कामकाज करते हुए, तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। काफ़ी पिटाई हुई थी जब खास तौर से जो इनके बाकी के जो कारोबार हैं उसको लेकर के टिप्पणी आई थी और ख़ास तौर से कंपनी पर जिस तरीके के टैक्स लगाए गए थे उसके बाद से शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन ये एक रिकवरी मोड में आता हुआ। सर इसका कितना फ़ायदा होगा डेल्टा कॉर्प को? आज तो चलिए थोड़ी बहुत रिकवरी है, क्या ये थोड़ी रिकवरी कुछ दिन कंटिन्यू रहेगी? काफ़ी लोग ऊपर के लेवल फंस गए थे। विपुल जी वैसे तो इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा आया था जो कोर्ट डिसीजन आया था कि GST जो ऑर्डर पे स्टे उन्होंने लगाया था तो उसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 155-158 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर फिलहाल मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक बड़ा गैप लेवल है तो जब तक वो 158 का लेवल नहीं निकलता कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को मिल सकती, इसलिए 158 तक के टारगेट्स 155 तक के भी टारगेट्स रख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है। नीचे में जो सपोर्ट है 140 है, उसके नीचे जाएगा तो अगेन रैली फिजल आउट हो सकती है, तो 140 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर किसी ने आज लिया या पहले की खरीद है अगर या नीचे की खरीद है। ऊपर में मुझे लग रहा है 155 तक अगर रैली एक्सटेंड होती है तो 155-158 तक ऊपर में स्टॉक जा सकता है। 155-158 ये ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरीके का सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है और वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो खबर है वो बता दें कि नोएडा के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कंपनी ने शुरुआत की है। हाल ही में एक कंपनी ने जब एक सरकार की तरफ से PLI स्कीम आई थी उसमें भी डिक्सन टेक्नोलॉजी में हमने देखा अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था और ये जो प्लांट है इसमें Xiaomi इंडिया के लिए स्मार्टफोन जो है वो बनाएगी कंपनी और स्मार्टफोन का उत्पादन
अभी जो है अगले एक दो महीने में यानी कि तीसरे क्वार्टर से ही में ही जो है वो शुरू होता हुआ दिखाई देगा। और इसके चलते हम देख रहे हैं डेक्सॉन के अंदर करीब 2.25% के आसपास की मजबूती जो है आज सुबह देखने को मिल रही थी, और अभी अगर हम देखें तो डेक्सॉन के शेयर के अंदर करीब 9% का उछाल, तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर शेयर के अगर चाल पर नज़र डालें, एक महीने में 16%, पिछले 6 महीने में 53%, और अगर हम पूरे साल की बात करें तो करीब 30-35% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, कैसे देख रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप, और क्या ये रैली जो है और ज़्यादा जो है एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है आपको, क्या करंट लेवल पर खरीदारी की जा सकती है? मुझे रैली डेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है, जो चार्ट्स बता रहे हैं मुझे लग रहा है ये स्टॉक 6,400-6,500 तक जा सकता है। पर अगेन आज जैसी मोमेंट कल आएगा ये काफी कहना मुश्किल है, पर जो ब्रेकआउट देखने को मिला है ऑलमोस्ट 5,500 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट है, उसी से 6,000 का लेवल आज के दिन ही देखने को मिल रहा है। तो 6,000-6,200 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो 6,200 तक तो इमीडिएटली मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। थोड़ा लंबा अगर रखते हैं तो 6,450 तक भी स्टॉक जा सकता है, तो और रैली एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि एफएनडो में है, तो शॉर्ट कवरिंग का भी थोड़ा बहुत नजर है स्टॉक में बन सकता है। तो 6,400-6,450 तक मुझे लग रहा है रैली एक्सटेंड हो सकती है। 6,000-6,450 तक ये जो है रैली एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए, तो ये तो यहाँ पर रही जो है यहाँ पे रणनीति की बात, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं किस तरह की रणनीति आपके लिए होनी चाहिए। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए कंपनी, और यहाँ पर खबर है NTPC को लेकर के। शेर खान ने कंपनी की रेट ना सिर्फ रेटिंग बढ़ाई है बल्कि लक्ष्य भी बढ़ाया है, और रेटिंग बढ़ाने के पीछे वजह भी बताई हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कि जिस तरीके से पावर डेफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो वो उसके चलते इन्होंने रेटिंग बढ़ाई है, और कंपनी उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए लगातार अपनी क्षमता विस्तार जो कर रही है उसका भी फायदा NTPC को आने वाले समय में मिलेगा। और FY 2026 तक कंपनी की जो थर्मल पावर क्षमता है वो 11.2 GW जो है वो बढ़ाएगी कंपनी, और ज़्यादा बढ़ाती हुई दिखाई देगी। और अब इस पर लक्ष्य बढ़ा करके ₹300 जो है कर दिया गया है NTPC पर लक्ष्य। तो एक तो ये खबर यहाँ पर है कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से लक्ष्य बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरा जैसा हमने आपको बताया पहले ही कि आज जो है सकारात्मक रुझान जो है वो सारे PSUs कंपनियों में देखने को मिल रहा है, तो NTPC भी उससे अछूती नहीं है। 4.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आज पावर क्षेत्र में खासतौर से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। शानदार मूव, 6 महीने में 56% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है सर, और पिछले 1 महीने के अंदर अगर हम देखें तो 18% की रैली आती हुई दिखाई दी है NTPC के अंदर। इस तरह का मूव जल्दी बहुत कम देखने को मिलता है NTPC के अंदर, आपकी क्या सलाह रहेगी? जो ऑलरेडी शुरू में कहा NTPC पावर ग्रिड या पावर जनरेशन या पावर रिलेटेड जो स्टॉक्स है काफी अच्छा करेंगे, इवन जो ट्रांसफार्मर्स है या फिर कह सकते हैं ट्रांसमिशन वाले स्टॉक है वो भी काफी अच्छा कर सकते हैं। तो पावर ग्रिड NTPC यहाँ से भी मुझे लग रहा है अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो कंपनीज आप कह सकते हैं ट्रांसफार्मर्स वगैरह में या कैपिटल गुड्स सेगमेंट में जो कि पावर कंपनीज को सप्लाई करती है वो भी काफी अच्छा करेंगे, जैसे कि सीमेंस, ABB, कमिंस इंडिया, ये स्टॉक्स रहेंगे जहां पे नेक्स्ट मोमेंट आ सकता है। तो NTPC और पावर ग्रिड दोनों में ही पॉजिटिव नजरिया है, करंट लेवल से भी स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। इस बीच जो है चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर कई सारी खबरें हैं, और वो है JSW को लेकर के। एक खबर तो आपके स्क्रीन पर है कि कर्नाटक में कंपनी जो है वो नया पोर्ट अब विकसित करने जा रही है, और आपको बता दें कि इस पोर्ट की जो क्षमता होगी वो जो है ये पहला ऐसा पोर्ट होगा जो किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा कर्नाटक में बनाया जाएगा ये, और यहाँ पर जो है करीब इसमें जो निवेश होगा वो 4,000 करोड़ से ज़्यादा का होता हुआ दिखाई देगा, और पोर्ट बनाने में 4,119 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, और इसकी जो कुल क्षमता होगी इस पोर्ट की वो शुरुआती सालाना क्षमता करीब 3 करोड़ टन की होगी। तो ये खबर है, और JSW इंफ्रा में हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की मजबूती भी देखने को मिल रही है। पहले तो इस पर टिप्पणी लेना चाहेंगे, और उसके अलावा सर JSW ग्रुप पे आज एक बड़ी खबर और भी है जो उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा हम चाहेंगे JSW इंफ्रा पे आपकी टिप्पणी हो जाए। तो मुझे अपने लिस्टिंग के हाईस पे ट्रेड कर रहा है, जो रिसेंट हाई था ऑलमोस्ट 220 का, उसका ब्रेकआउट भी आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि टेक्निकली ज्यादा डेटा नहीं है पर ये कंपनी मुझे काफी पसंद है, और बाघ के IPO में भी हमने डिस्कस किया था और लॉन्ग टर्म में निवेश करने की भी सलाह स्टॉक में दी थी। ये स्टॉक अच्छा कर सकता है क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है ओवरऑल पोर्ट बिजनेस में, अडानी पोर्ट के बाद इसका भी बहुत काफी अच्छा नाम है। तो ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, 245 तक के टारगेट्स इसमें आने को देखने को मिल सकते हैं। तो किसी ने बाय कर रखा है तो होल्ड करें, 245 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, उसके आसपास आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, अगेन जब करेक्शन मिलता है तो फिर रीएंट्री कर सकते हैं। जी सर, इसी ग्रुप पे लेकर के जो एक बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय बाद एक
नए वेंचर में, एक नए क्षेत्र में कंपनी की तरफ से निवेश किया गया है। एमजी मोटर्स में 35% हिस्सा जो है, जो चाइना की सैक मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है, भारतीय सब्सिडरी कंपनी एमजी मोटर्स, उसमें 35% हिस्सा जो है जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो है खरीद रहा है। इसको आप, इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं, पूरे समूह के लिहाज से, क्या एक नए सेक्टर में एक नया वेंचर शुरू करने जा रही है कंपनी, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है और इसका इस ग्रुप के शेयरों पर किस तरीके का असर पड़ सकता है? देखिए, डिटेलली तो विपुल जी स्टडी नहीं किया है कि एक्विजिशन किस हिसाब से होगा और कौन से सेगमेंट में उतरेंगे, पर मुझे लग रहा है ओवरऑल ग्रुप के लिए पॉजिटिव है, बड़ी कंपनी से टाइप होता है तो। पर वैसे तो मुझे लग रहा है जेएसडब्ल्यू ग्रुप में सभी स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इवन जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सभी स्टॉक जेएसडब्ल्यू के रिलेटेड काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जहां तक टेक्निकल्स की बात है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, इवन जेएसडब्ल्यू स्टील भी अपने रिसेंट कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है। तो ये एमजी मोटर्स के साथ जो टाइप था, ये काफी दिनों से इसकी न्यूज मार्केट में आ रही थी, उसी का रिजल्ट कह सकते हैं, बड़ा मूवमेंट आज आपको देखने को जेएसडब्ल्यू स्टील में नहीं मिला है, पर ब्रेकआउट डेफिनेटली है स्टॉक पे और हो सकता है यहाँ से भी ये स्टॉक 3-4% का अपसाइड दिखा सके। तो ओवरऑल ग्रुप काफी अच्छा कर रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से भी शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच अगली कंपनी जो लेकर के आते हैं और वो है ब्रिगेड, जी हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफ़ी बस चल रहा है, काफ़ी खबरें आ रही हैं और रियल एस्टेट में तेज़ी भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको बता दें, कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है बीबीसी डेवलपर्स में, कंपनी जो है वो अतिरिक्त जो है 12.5% हिस्सा जो है वो और खरीदने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि पहले से ही कंपनी के पास बीसीबी डेवलपर्स में 50.01% हिस्सा था, जिसे अब बढ़ा करके 62.51% जो है वो किया जाएगा। स्मार्ट टाउनशिप्स जो है, आपको बता दें कि ये बेंगलुरु का एक शहर है, वहाँ पर स्मार्ट टाउनशिप जो है वो बीसीबी डेवलपर्स बना रहा है और इसी के लिए जेवी की गई है। बेंगलुरु के देवनाहल्ली में 135 एकड़ में ये जो टाउनशिप है वो डेवलप की जाएगी और उसके चलते आज हम देख रहे हैं ब्रिगेड इंटरप्राइज के शेयर में 6% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। सर, ओवरऑल रियल एस्टेट पूरे पैक के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। ब्रिगेड के ऊपर लगातार पिछले कुछ दिनों में खबरें रही हैं, NCR में एंट्री ले रहे हैं, किसी के साथ JV कर रहे हैं, काफ़ी कुछ खबरें हैं सर यहाँ पर, और अब ये नई टाउनशिप की बात, कैसे देख रहे हैं रियल एस्टेट की इस रैली को आप? आज भी 4% ऊपर है, पिछले एक महीने के अंदर 36-37% चल चुका है और अगर हम देखें तो 6 महीने में 49-50%, अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, वैसे तो रैली काफी शानदार रही है और काफी बार डिस्कस भी हमने कभी सभी स्टॉक्स पे किया है, पर ब्रिगेड में अब खरीदारी की राय नहीं है, काफी नीचे भी एक दो बार दिया था पर अब करंट लेवल से खरीदारी की राय क्लियरली नहीं है क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है और आज एक बड़े मूव के बाद ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, तो करंट लेवल से खरीदारी की राय नहीं है। हो सकता है नीचे में आपको वापस स्टॉक 780-750 के आसपास आता हुआ नजर आए, तो थोड़ा करेक्शन आता है तो वहां पर री एंट्री करेंगे, 780-800 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। तो न्यूज की वजह से आज जो इम्पैक्ट होना था वो मेजरली हो चुका है, हो सकता है करेक्शन भी देखने को मिले, तो किसी को फ्रेश एंट्री करना है तो 800 के आसपास करें, वो ज्यादा बेहतर लेवल्स रहेंगे। जहां तक ओवरऑल सेक्टर की बात है, लोडा डेवलपर्स में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा रूम है, वहां पे थोड़ा अपसाइड अभी भी आ सकता है, तो किसी को अगर ये रैली में सेक्टर में शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो लोडा डेवलपर्स को बाय करके चल सकते हैं, 900 का स्टॉप लॉस लगाएं और 950-960 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 950-960 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, अब इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, यहाँ पर की खबर है वो है REC। REC हो या PFC हो या NTPC हो, जहाँ जहाँ पे ऊर्जा का नाम जुड़ा है, सब के अंदर ऊर्जा आती हुई दिखाने आप देख रहे हैं कि देखने को मिल रही है। बोर्ड ने जो है, आपको बता दें कि करीब 1.5 लाख कर्ज लेने को लेकर के जो है, 1.5 लाख करोड़ के कर्ज को लेकर के मंजूरी दे दी है। इससे पहले जो है कंपनी की जो क्षमता, कंपनी के बोर्ड ने जो मंजूरी दी थी वो 1.2 लाख करोड़ रुपए की थी। इसके अलावा कंपनी के जो डिसबर्समेंट हैं, यानी कि जो वितरण कर्ज का करती है कंपनी, वो जो है इस बार पहली बार हमने देखा कि एक साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचता हुआ ये आंकड़ा है। और बोर्ड की मंजूरी जो मिली है कर्ज को बढ़ाने को लेकर के, उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है REC, PFC सब में जो है मजबूती देखने को मिल रही है। सर, ये REC में तो खबर मिल गई, PFC REC क्या हो क्या रहा है सर? शानदार रैली, एक तरफा रैली देखने को मिल रही है और ये दो शेयर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
विपुल जी, IRDA पे जब IPO आया था, जब हमने डिस्कस किया था कि ये दो सेक्टर, ये दो स्टॉक्स जो है ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है या इनका साथ ही स्टॉक चलेगा, IRDA को जो रिस्पॉन्स मिला है, जो हमने भी इस पर रिकमेंडेशन दी थी कि लिस्टिंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करके रखें, तो उसी का थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको PFC REC में भी नजर आ रहा है। डेफिनेटली एप्पल टू एप्पल या कह सकते हैं सेम, कोई कंपैरिजन नहीं है, पर सेंटिमेंटली इंपैक्ट इन सब स्टॉक्स पे पड़ता है। तो REC PFC दोनों ही मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेंगे, और आने वाले दिनों में भी पावर और पावर रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करना है तो थोड़ा डिप पे करें, जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्ड करके चल सकते हैं। जी चलिए आखिरी कंपनी ज़रा डिस्कस करते हैं, और वो है ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए ITD सीमेंटेशन, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कंपनी को आंध्र प्रदेश से 1,001 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर जो मिला है वो 500 मेगावाट के हाइडल पावर के सिविल और मैकेनिकल काम के लिए मिला है। और इस नए ऑर्डर के चलते कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज जो मजबूती अच्छी खासी सुबह जो है देखने को मिल रही थी, करीब करीब 7% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी, और अभी भी अगर हम देखें तो मजबूती यहाँ पर बनी हुई है और वो अब 5% के आसपास की रह गई है। सर अगर आप कंपनी ट्रैक करते हो ITD सीमेंटेशन, बड़ा ऑर्डर और उसके चलते एक अच्छा रुझान सकारात्मक 5% से ज़्यादा की रैली अभी भी देखने को मिल रही है। ठीक है विपुल जी, इस कंपनी ट्रैक तो करते हैं और काफी अच्छी कंपनीज है, काफी ऑर्डर्स रिसेंटली इनको मिले भी हैं, पर ओवरऑल मोमेंटम काफी फास्ट आया है। 200 से 300 के जो लेवल से 4 से 5 हफ्तों में ही देखने को मिला, तो स्टॉक काफी बेहतरीन है। थोड़ा नीचे मिलता है तो अच्छे बाइंग लेवल्स रहेंगे अगेन, क्योंकि मार्केट हाई पे है और ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाईस के आसपास ही है, तो नीचे के लेवल्स मिले ऑलमोस्ट 270-260 के आसपास मिल सकता है स्टॉक वापस, तो वहां पे आता है तो बाई करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल पे कोई खरीदारी के साथ सलाह स्टॉक पे नहीं।